हेलो गाइस, वेलकम टू अक्की ऑटो टेक। और जैसे कि आज आप सामने गाड़ी देख पा रहे होंगे, आज हमारे पास है वेन्यू 2022। इस गाड़ी में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो गई थी और ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया है अब की बार। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि ये गाड़ी दिखने में कैसी है, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और ये पर्टिकुलरली कौन सा वेरियंट है। हम सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, इसका वॉक अराउंड करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात के तो हमें इस टाइप की फ्लिप की देखने को मिल जाती है, जो हुंडई की और दूसरी गाड़ियों में भी हमें मिलती है, तो इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, ये सिंपल वैसी ही रखी गई है। गाड़ी की डाइमेंशंस की बात करें तो हमें 3995 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है, 1770 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है और 1617 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। अगर हम गाड़ी की फ्रंट फेशिया की बात करें तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे क्रोम का वर्क मिल जाता है और बेसिकली बहुत सारा क्रोम का वर्क किया गया है। बीच में हुंडई के लोगो दिया गया है और इसमें गोल्ड क्रोम फिनिश के साथ ये वर्क किया गया है सारा, देख सकते हो आप। यहाँ पे हमें बीच में तो टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, साइड में हमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है और नीचे की बात करें तो सिंपल हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं इसमें आपको, देख सकते हो आप। यहाँ पर नीचे की तरफ स्किड प्लेट दी गई है, बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लड ORVMs मिल जाते हैं हमें, रूफ रेल्स देख सकते हो आप, सही है, बिल्कुल मजबूत है। और जो ये रेन वाइजर्स हैं ये एसेसरी का पार्ट है। आपको R15 के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और व्हील कैप मिलती है इस पर्टिकुलर वेरियंट में, जो हमारे पास बेस वेरियंट है S। अब अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो आप देखें जिसमें आपको यहाँ पे देखो हुंडई का बैजिंग मिल जाता है और वेन्यू का स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे है, पूरा वेन्यू स्पेसिफाई किया गया है। और जो ये इंटीग्रेटेड इसका टेल लैंप है ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब की बार जो बैक प्रोफाइल है वो कितना अच्छा लग रहा है आपको। यहाँ पर नीचे की तरफ स्किड प्लेट का आपको पूरा दिया गया है, आपको पीछे के सेंसर्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 343 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, देख सकते हो इस गाड़ी में तो पूरी बेस ट्यूब लगी हुई है, आपको दिखेगा नहीं इतना, बट ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्योंकि हमारे पास ये बेस वेरिएंट है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर चल के बात करते हैं कि इंटीरियर इस गाड़ी का कैसा है। की बात करें तो हमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं चारों तरफ। और अगर सीट की बात करें तो ठीक स्पेस है, पर अगर आप तीन बंदे बैठोगे तो थोड़ी बहुत आपको जगह कम लग सकती है। हाइट की बात करें तो इस सेगमेंट में इससे ऊंची हाइट मिल जाती है हमें गाड़ी में, पर इसकी भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, अगर 6 फीट का बंदा इसमें बैठेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेग रूम की बात करें तो हमें अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, सफिशियंट है, डिसेंट बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। लेग रूम और हेडरूम मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 6 फीट का बंदा होगा तो उसको दिक्कत आ सकती है, बाकी सीट्स कम्फर्टेबल हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये बेस मॉडल है, इसमें सीट कवर्स नहीं आते हैं, ये आफ्टर मार्केट का काम है सारा, जो सीट कवर्स यहाँ पे इस गाड़ी में लगाए हुए हैं। एसी वेंट्स मिल जाते हैं पीछे वाली सीट पे भी, और नीचे की तरफ दो फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी है आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा फीचर है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में, फ्रंट इंटीरियर्स दिखाते हैं आपको कि वो कैसे हैं। इंटीरियर्स की बात, जो फ्रंट इंटीरियर्स है उसके, तो आप देख सकते हो ब्लैक और बीज कलर की फिनिश दी गई है गाड़ी में, प्लास्टिक है पूरा, और आप देख सकते हो बीच में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, पर ये इसका खुद का नहीं है, ये आउटसाइड मार्केट लगवाया गया है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स में भी थोड़ा ग्रे एलिमेंट का काम देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। बीच में हमें इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमारे बाहर के चारों तरफ के जो इंडिकेटर जलते हैं उनका। हमें मैनुअल एसी मिलता है, क्लाइमेट एसी वेरिएंट में नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, आप देख सकते हो वही जो हुंडई की गाड़ियों में पहले आता है वैसा ही एसी है इसका, जिसके बटन आप देख सकते हो कैसे हैं।
यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक यूएसबी का ऑप्शन है और बीच में हमें चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे सारे, प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के भी कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई मोड चेंज करना है, जैसे आपको यूएसबी से ब्लूटूथ में जाना है, तो आप यहीं से उसको कर सकते हो। वॉइस कमांड का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। टिल्ट मिल जाता है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट टेलीस्कोप स्टेयरिंग व्हील इसमें नहीं मिलता है, ओनली टिल्ट का ऑप्शन आपके पास। और जो स्टेयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, हुंडई का स्टेयरिंग व्हील काफी अच्छा आता है, उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा होता है। जो आपसे इसके अपर वेरिएंट मिलते हैं उसमें आपको डीकट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको सिंपल स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। बात करें तो आप देख सकते हो फुली डिजिटलाइज आपके पास इसमें MID मिलती है हमें। जो इसका मेजर चेंजेस है वो इसी में आया है, आप देख सकते हो बेस वेरियंट से इसमें हमें MID मिल जाती है। और आप लेफ्ट साइड में देखते हो आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, और जो ये राइट साइड में ये हमें RPM शो करता है। लेफ्ट साइड में नीचे के कॉर्नर में आप देख सकते हो कि फ्यूल का हमें ऑप्शन मिल जाता है कि फ्यूल कितना है गाड़ी में, और जो राइट साइड में कॉर्नर पे हमें दिखता है कि अपने गाड़ी का टेम्परेचर क्या है वो आपको पता चल जाता है। यहाँ से ऊपर की साइड आप देख रहे हो तो हमें ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी रेंज दिखा रहा है, 288 किलोमीटर्स, और ये पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। जैसे आप देख सकते हो कि गाड़ी कितनी चली है और गाड़ी को मतलब एवरेज कितनी है गाड़ी की, ये आपको मैं चलते हुए दिखाऊंगा। तो MID के जो कंट्रोल्स हैं उसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर लाइट्स, डोर, इन सब का ऑप्शन आपको मिलता है। हम बात करें तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, देख रहे हो इसकी काफी इंफॉर्मेटिव है। आप देख सकते हो कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो आपको देख सकते हो आप एवरेज दिखा रही है बीच में, और ऊपर की तरफ आपको कितने किलोमीटर ये गाड़ी पर्टिकुलर एक ट्रिप में चलती है वो दिखा रही है, और कितनी देर चली है वो दिखा रही है बीच में। तो आप देख सकते हो इसका MID काफी अच्छा लगता है। इस गाड़ी में 5 गियर का सिस्टम मिल जाता है, जो हमें 1200 cc का इंजन मिलता है, उसके साथ हमें 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और यहाँ पे देखते हो तो आप हमें आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो अच्छा फीचर है। थोड़ा सा इसमें स्पेस है, और बाकी सब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें थोड़ा प्रीमियम टच नहीं आता है गाड़ी में। आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो ब्लैक और बीच कलर का एक फिनिश दिया गया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अगर ये बेस मॉडल है इसका तो इसमें आपको सिंपल सब कुछ मिलेगा, इतना कोई खास प्रीमियम नहीं मिलने वाला है। अब हम चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ, इसमें आपको कितनी पावर मिल जाती है और कौन सा इंजन है इसका और कितने न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें 1197 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। वैसे ये इसका बेस वेरिएंट है और हमें नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इसमें 3 इंजन और हमें देखने को मिलते हैं, एक इसका टर्बो इंजन हो गया, एक ये हो गया, और इसका हमें डीजल इंजन भी देखने को मिलता है। जो पर्टिकुलर ये इंजन है इसमें हमें 116 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 83 PS की पावर के साथ। आप देख सकते हो इसका इंजन, और यहाँ पर आप इंसुलेशन इसमें कोई नहीं दिया गया है। और मैं आपको एक बार गाड़ी की आवाज़ चेक कराता हूँ चला के, इसकी इंजन नॉइस कैसी है। देख सकते हो आप इंजन की जो आवाज़ है उसको आप एक बार सुन सकते हो। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बाद हम इसके राइड क्वालिटी को देखते हैं कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है गाड़ी को चला के, और आपको बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए चलते हैं। अगर हम इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो आपको जो 1197 cc का इंजन मिलता है उसमें ओनली 83 PS की पावर मिलती है, जो कि थोड़ी सी आपको कम लग सकती है। अगर आपको गाड़ी भगानी है तो आपके लिए ये गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि आपको पावर बहुत कम देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। और बस आपको एक अगर नॉर्मल तरीके से चलना है और आपको मतलब एक बड़ी गाड़ी चाहिए और इंजन उसका कोई भी आपको चलेगा तो आपके लिए ये गाड़ी फिर बनी है। अगर हम इसके ओवरऑल एवरेज की बात करें तो आपको सिटी में इसमें 13 से 14 का एवरेज मिल जाएगा, और हम हाईवे की बात करें तो अगर
हाईवे पे आप इसको चलाते हैं स्मूथ तरीके से तो आपको 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है, पर सही है, नॉर्मल तरीके से जो गाड़ी चलती है वैसे ही है। फन टू ड्राइव हम इसको 50% कह सकते हैं, कंफर्ट सही है गाड़ी का बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि हमें यह गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं एसयूवी सेगमेंट की और आपका बजट 8 से 9 लाख रुपए का है तो आप इसका बेस वेरिएंट अपने ऑप्शन में ले सकते हैं। और बात करें अगर आपको फन चाहिए गाड़ी में, अगर आपको गाड़ी भगानी है तो आप इस गाड़ी की तरफ मत देखें, क्योंकि भगाने के लिए गाड़ी नहीं है। एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एवरेज आपको 17-18 इतनी चाहिए तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, वरना आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने आप ब्रेजा की एक रिव्यू किया है गाड़ी का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ब्रेजा का रिव्यू देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक की आपकी वीडियो थी आज, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और यही हमारी एनकरेजमेंट रहती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक सफिशियंट और बेस्ट नॉलेज हम प्रोवाइड करा सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हम आगे और अच्छा काम करें। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई इस गाड़ी की अच्छाई लगी हो या बुराई लगी हो, और ये भी बताना कि आपको ये डिटेल रिव्यू कैसा लगा और आगे आप कौन सी गाड़ी का डिटेल रिव्यू और देखना चाहते हैं। और अगर आप एक कार लवर हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।